रावण एक बहुत बुरा इंसान था। रावण ने सीता माता जी को किडनैप किया था। एक दिन उसका सर्वनाश होता है। हेलो दोस्तों, आज देवांशी का तीसरा दिन है स्कूल जाने का, और ये मुझे ना रोज इमोशनल कर देती है। जब भी सुबह उठती है ना, तो देवांशी को पता होता है कि अगर मैं रोऊंगी और सैड सैड हो जाऊंगी तब भी पापा मम्मी मुझे स्कूल छोड़ेंगे। मतलब घर पे नहीं रोती है, घर से स्कूल तक तो बढ़िया साइकिल में जाती है, और जैसे जैसे स्कूल का गेट खुलता है ना, बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे मुझे छोड़ती नहीं है। फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ देवांशी। अगर आप स्कूल में रोओगे तो पापा को भी रोना आएगा ना। इसीलिए पापा ना आपके स्कूल के बाहर ही बैठा हुआ रहता है एक घंटे तक। अभी मैं देवांशी को लेने स्कूल जा रहा हूँ। एक घंटा हो चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं बहुत टाइम बाद देवांशी से मिल रहा हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे जब वो स्कूल से आती है। आज तो खुश लग रही है। मैं क्या लेकर के आया हूँ देवांशी के लिए? चॉकलेट। कैसा लगा आपको स्कूल? अच्छा। अच्छा, कल भी जाना है ना? बढ़िया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अभी मैं ना सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में बन रहे हैं करेले, जो मैंने ना गोल गोल काट रखे हैं। वैसे हम लोग लंबे भी काटते हैं, लेकिन आज गोल से ही काम चलेगा। और मेरे हस्बैंड जा रखे हैं देवांशी को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि अभी देवांशी का ना एक हफ्ते तक एक ही घंटे का स्कूल होगा। तो चलो करेले की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ना रोटियां भी बनानी है। तो आजकल हम लोग बहुत ही हेल्दी हेल्दी रोटियां खा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सरसों के तेल में तड़का, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लंबे लंबे कटे हुए प्याज। मैंने सारे मसाले एक ही प्लेट में रख दिए, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। देवांशी जैसे स्कूल से आई ना दोस्तों, तो उसने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है। अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। भगवान जी इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू। दोस्तों बच्चे ना करेले की सब्जी नहीं खाते हैं, क्योंकि करेला होता है कड़वा। तो बच्चे खा रहे हैं रात के छोले और रोटी, और साथ में एक एक गिलास दूध। छोले बच गए थे ना, बढ़िया बने थे। रुद्रांश को तो रात में बहुत ज्यादा पसंद आए थे छोले। तो दोस्तों अभी नेगेन फैमिली सब खाना खा रहे हैं। जब तक एक अपना खाना शुरू करते हैं ना, मैं खत्म कर देता हूँ। ये भगवान का नमस्ते ही बोलते रह जाते हैं। मैं खाना खत्म करके बस बैठ जाता हूँ। अब ये देखो, अभी खाना ही खा रहे हैं। देवांशी ने करेला टेस्ट कर लिया दोस्तों। टेस्ट करके देख। हेलो दोस्तों, आज हम रावण को जलाने जा रहे हैं। आपको पता है हम रावण को क्यों जलाते? क्योंकि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। रावण एक बहुत बुरा इंसान था। रावण ने सीता माता जी को किडनैप किया था, इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया। हमें अपने अंदर हमेशा अच्छाई रखनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया रावण क्या काम करता था? आपके तरह उल्टे काम करता था।
जब हम छोटे थे ना, हम भी उड़ते काम करते थे। हाँ, लेकिन मैं नहीं करता था। यहाँ पर तो रावण ही रावण है। इस मेले में भी कई रावण होंगे। बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पांव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। और उसके बाद प्रसाद जरूर लेके जाए। दोस्तों रावण का पुतला तो जला ही नहीं, बहुत कोशिश करी तब भी रावण का पुतला नहीं जला। ये सोचने वाली बात है, अगर गहराई से सोचो तो इसका मतलब ये है कि आजकल इस कलयुग में इतनी बुराइयां हो चुकी हैं कि उनका अंत करने में बहुत समय लगेगा। अगर हमें जल्द ही बुराइयों का अंत करना है तो हमें अपने अंदर, हम सबको अपने अंदर इतनी सारी अच्छाइयां पैदा करनी है, इतनी सारी अच्छाइयां करनी है कि बुराइयों का अंत जल्द से जल्द हो। रावण का घमंड भी टूटा, अहंकार भी टूटा, टाइम लगा लेकिन टूटा। अगर किसी के अंदर घमंड आता है, अहंकार आता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो एक दिन उसका घमंड भी टूटता है, टाइम लगता है, लेकिन वो भी रावण की तरह जमीन पर धराशायी हो जाता है। इसीलिए अपने अंदर एक अच्छे इंसान को हमेशा रखो, अपने जमीन से जुड़े रहो, अपनों से प्यार करो, जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करो, ईमानदारी से अपना काम करो, प्यार करो, मोहब्बत करो सबसे, है ना। अपना काम ईमानदारी से करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी के साथ छल कपट मत करो। जो छल कपट करता है, जो इंसान बुराई पे बुराई करता है, एक दिन उसका सर्वनाश होता है, एक दिन उसका घमंड टूटता है और वो रावण की तरह जमीन पर धराशायी हो जाता है। सो अपने अंदर हमेशा अच्छाई रखो, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमेशा अच्छा अच्छा करो, बस बस बस, मेहनत करो, मेहनत करो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको पता है रावण को क्यों जलाया जाता है? क्यों बताओ, क्यों बताओ, क्यों जलाया जाता है? नहीं बता रही। दोस्तों आज का ब्लॉग ना हमारा छोटा जरूर बना है, लेकिन इस ब्लॉग से ना बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, और कमेंट करके ना अपने थॉट जरूर लिखना आप लोग। हाँ।